कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल ट्रेजरी प्रॉपर्टी गुरु में। एंड आज मैं दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक नए घर की ऑप्शन लेकर। तो आज गाइस जिस प्रोजेक्ट पर मैं आपको लेकर आई हूं ना, इसका जो प्लस पॉइंट है ना वो है इसकी लोकेशन एंड इसकी कनेक्टिविटी, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट पर मैं आपको लेकर आई हूँ उसका नाम है शिवांता रेजिडेंसी। एंड यहाँ पे आज मैं आपको एक 3 BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ 1700 स्क्वायर फीट में, जहाँ पे ये जो आपका अपार्टमेंट है ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट है आपका, जो आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है इस अपार्टमेंट में है वो आपको विद परचेज मिलने वाली हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है आपके 127 सेक्टर ग्रेटर मोहाली में। एंड ये आपका कनेक्टेड है द बैंग ऑन हाईवे, खरड़ लांद्रा हाईवे, जिसको आपका दिल्ली मनाली हाईवे भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आप इस साइड जाते हैं तो आप फर्दर यहाँ से कुराली हिमाचल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस साइड जाते हैं आप दिल्ली अम्बाला जीरकपुर यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये ऐसा प्लेस है आपका, ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ से आप कहीं के लिए भी बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। बात करें आज के हमारे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये एक लो राइज प्रोजेक्ट है विद S+4 कंसेप्ट, जिसके अंदर आपको क्लब हाउस एंड बहुत सारे ग्रीन एरियाज भी मिलेंगे, जिसमें क्लब हाउस में आपके लिए स्विमिंग पूल, इंडोर एक्टिविटीज़, पार्टी हॉल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें आपको लाइक 3-स्टार यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं क्लब हाउस के अंदर। आपके एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड अपार्टमेंट में एक्सेस करने के लिए आप स्टेयरकेस का यूज़ भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपके लिए लिफ्ट भी प्रोवाइडेड है। नाउ आइए चलते हैं फाइनली एंड हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट को चेकआउट करते हैं। लेट्स गो। नाउ आइए चलते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट के अंदर, जो कि है यहाँ। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डोर आप देख रहे हैं ना, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाला है विद द परचेज, जिसके साथ आपका डिजिटल जो है वो लॉक रहेगा, जिसको आप फिंगरप्रिंट से, कार्ड से, की से या पिन कोड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। लाइक आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया, जिसको आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड सोबर तरीके से इन्होंने इस पूरे ही ड्राइंग एरिया को डेकोरेट कर रखा है। लाइक आप एक बार कलर थीम देखें, बहुत ही पीसफुल कलर्स इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। लाइक आप ये ब्राउन देख सकते हैं, वाइट देख सकते हैं, लाइक काफ़ी अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बना रखा है इन्होंने। यहाँ से शुरू करते हैं आप, पहले ये हॉर्स की पेंटिंग यहाँ पर देखें, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। लाइक ऐसी अगर चीज़ें आप अपने घर पे ऐड करते हैं तो एक जो रॉयलिटी है या फिर जो एंटीकनेस है वो शो होती है वहाँ से। एंड यहाँ से आप स्पेस का आइडिया भी लगा सकते हैं, लाइक इन्होंने कितना ज़्यादा सिटिंग यहाँ पे ऐड कर रखा है। उसके बाद भी मेरे पास यहाँ से मूव करने के लिए, वहाँ बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। एंड आपके ड्राइंग एरिया के साथ यहाँ पे पीछे अटैच बैल्कनी भी आ जाती है, जो कि आपकी रनिंग बैल्कनी है, आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग, जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर आप फॉल सीलिंग देखेंगे विद LED लाइट्स, आपको एज इट इज़ मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा झूमर इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये ड्राइंग एरिया के अकॉर्डिंग, तो आप भी ऐसा कुछ अपने घर में ऐड कर सकते हैं। एंड आपके ड्राइंग एरिया के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया, जिसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल से हैंगिंग पार्टीशन के साथ इन्होंने सेपरेट कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अगेन बहुत सिंपल एंड सोबर लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा डाइनिंग टेबल इन्होंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, एंड एक छोटू सा कॉफ़ी टेबल भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं स्पेस का, लाइक एक डाइनिंग टेबल, फिर एक कॉफ़ी टेबल। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पीस, सिटिंग पीस भी ऐड कर रखा है।
तो कितना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी बात करेंगे अगर डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से कर रखी है। वॉल्स आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइनिंग टेक्सचर जो है वो वॉल में ऐड कर रखा है। आपको यहाँ पे प्लेन वॉल्स मिलेंगी विद वाइट कलर, जिसको आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से उसमें टेक्सचर या फिर आप वॉलपेपर या फिर डिफरेंट कलर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाइनिंग एरिया, अगेन बहुत ही सुंदर है। उसके साथ में यहाँ पे रनिंग में आपका आ जाएगा किचन, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है जो कि आपका। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, ये आपके अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे विद ब्लैक ग्लास डोर, ग्रेनाइट का पूरा आपका कुकिंग काउंटर रहेगा जहाँ पे आपका यहाँ पे हॉब का स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे चिमनी का स्पेस आ जाएगा, तो आप अपना चिमनी एंड हॉब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। लो कैबिनेट्स की बात करेंगे तो एक तो ये आपके वॉशेबल है, दूसरा आ जाते हैं आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ, एंड इस साइड भी आप देख सकते हैं लाइक स्टोरेज की आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इतना ज़्यादा स्टोरेज का स्पेस दिया गया है। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे ये स्पेस दिखाना मैं आपको भूल गई, या आपकी अप्लाइंसिस के लिए लाइक अपना माइक्रोवेव ओटीजी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड द अदर स्पेस यू कैन यूज़ फॉर योर पैंट्री। एंड कमिंग टू दिस साइड आ जाएगा आपका वेट सेक्शन, जहाँ पे डुअल सिंक आप देख सकते हैं विद मूविंग फॉल्सेट। एंड ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगेन आपके पास बहुत सारे कैबिनेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे यूटेंसिल्स के लिए भी स्पेस दिया गया है ताकि लाइक आप यहाँ पे अपने बर्तन धोए एंड यहाँ पे डायरेक्टली उनको रख सकते हैं, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो किचन को डिज़ाइन करा गया है एंड बहुत अच्छे तरीके से किचन को जो है वो सेट भी किया गया है। ऊपर आप यहाँ पे भी फॉल सीलिंग देखेंगे विद LED लाइट्स, आपको एज इट इज़ यहाँ पे भी मिलने वाला है। एंड आपके किचन के साथ यहाँ पे बाहर यूटिलिटी एरिया भी आ जाता है जो कि आपकी रनिंग बालकनी भी है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये जो आपकी बालकनी है ना, बहुत ही ज़्यादा वाइड बालकनी, लाइक 6x27 की बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। सो ये आ जाएगी हमारी रनिंग बालकनी जो कि आपके किचन और आपके थर्ड बेडरूम एंड आपके सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी बालकनी है ये यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आप अपने वॉशिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, आप प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है, इसके अंदर AC लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे AC का जो डक्टिंग का सेटअप है वो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ होके मिलने वाली है यहाँ पे, सारी डक्टिंग आपको करके देंगे सारे। सो ये थी हमारी बालकनी जो कि हमारा यूटिलिटी एरिया भी है एंड दोनों रूम्स के साथ कनेक्टेड भी है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे आ जाता है हमारा एक स्टोर रूम जिसको इन्होंने पूजा स्पेस के तरीके से डेकोरेट कर रखा है। लाइक आप एक बार लुक दें कितना ब्यूटीफुल इन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा है। आप चाहेंगे तो इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं विद डोर आपको ये मिल रहा है, या फिर आप यहाँ पे पूजा स्पेस भी अपना बना सकते हैं। एक बार आप अंदर से लुक दे लें कि ये कैसा लग रहा है। सो अब हमारा ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन, पूजा स्पेस सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे रूम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम ये वाला रूम चेकआउट करते हैं जिसके साथ आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिल रहा है जिसको आपके गेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यही वॉशरूम आपका फर्स्ट रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। तो आइए चलते हैं अंदर। सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, बहुत ही मॉडर्न स्टाइल से पूरा ही रूम जो है वो डेकोरेट कर रखा है, काफ़ी पीसफुल कलर्स जो हैं इसमें भी यूज़ करे गए हैं आपके। ऊपर आप लाइटिंग देख सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट सब कुछ ही लग रहा है। तो आप इस रूम से आइडियाज़ ले सकते हैं कि अगर आपको बहुत ही सिंपल एंड सोबर तरीके से रूम को डेकोरेट करना है तो आप ऐसा कुछ अपने रूम में कर सकते हैं। बेड के ठीक ऊपर यहाँ पे आ जाएगी आपकी AC की डक्टिंग। एक बार आप बेड की तरफ भी नज़र देंगे ना, आप देखेंगे काफ़ी यूनिक सा बेड यहाँ पे इन्होंने प्लेस कर रखा है, काफ़ी रॉयल टाइप का बेड लग रहा है ये। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका बेड का साइड टेबल आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आपका जो मिरर लगा हुआ है उसके लिए भी स्पेस, सिटिंग स्पेस भी यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ से साइज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपको रूम में मिल रहा है। एंड यहाँ पे आ जाएंगे आपकी कबर्ड्स विद वेरी गुड लेआउट, लाइक आपका सारा सामान ईजिली रूम में आ जाएगा। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स इन्होंने यहाँ पे पूरे रूम में रखे हैं। इस साइड भी आप देख सकते हैं, तो आप बहुत सारे आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं।
सो ये आ जाएगा हमारा वॉशरूम, जो कि मैंने आपको कॉमन वॉशरूम भी बताया था, जिसके लिए आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस आपका ये पूरा वॉशरूम आ जाता है, लाइक वहाँ तक आपके पास स्पेस है। इसमें आप जितने भी फिटिंग्स देख रहे हैं, आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, वॉल की टाइलिंग्स देख रहे हैं, एग्जॉस्ट आ जाएगा आपका, सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके गीज़र का स्पेस, एंड गाइस आपको मिरर भी विद परचेज यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो कि है बिल्कुल इसके साथ में। अगेन गाइज, इसमें भी आपके कितने ब्यूटीफुल कलर, कितने एलिगेंट कलर यूज़ किए गए हैं, आप एक बार लुक देंगे पूरे ही रूम में। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे बेड में ना केन का यूज़ किया गया है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब के ज़माने में कम हो गया है। बट लाइक बहुत सारे ऐसे थीमफुल घर होते हैं जिनमें इस चीज़ का यूज़ मैंने काफ़ी देखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये भी घर उनमें से ही एक है। काफ़ी एंटीक ये लुक दे रहा है आपको। एंड ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी एसी की डक्टिंग आ जाएगी, पूरा फॉल सीलिंग ऊपर एलईडी लाइट्स के साथ ही आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी बालकनी, जो कि मैंने आपको किचन से दिखाई थी। एंड यहाँ आप देखेंगे काफ़ी यूनिक तरीके का मिरर इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका एलईडी का स्पेस, जहाँ पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे फिलहाल इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स ऐड करी हैं। तो आप अगर एलईडी लगाना चाहते हैं एलईडी लगा लीजिएगा, पेंटिंग्स लगाना चाहेंगे तो पेंटिंग्स लगा लीजिएगा। यहाँ आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, अगेन विद वेरी गुड स्पेस। एंड इस साइड आ जाएगा आपका वॉशरूम विद ऑल जैगुआर फिटिंग, सारी ब्रांडेड फिटिंग रहेंगी। आप देखेंगे वॉल की जितनी लंबी आपकी वॉल है, उतनी ही टाइलिंग आपको प्रॉपर फुल मिल रही है ऊपर तक। फ्लोरिंग की जो टाइलिंग है आपकी, वो एंटीस्केट रहेगी। एंड यहाँ पे देखेंगे लाइक आपका पूरा वैनिटी, आपका सिंक, मिरर, आपको सीट, सारी फिटिंग्स लाइक आपको हो के मिलने वाली हैं। प्लस एग्जॉस्ट भी आपको एज इट इज मिलने वाला है यहाँ पे। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। गाइज, ये जो आपका अपार्टमेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो स्पेस है एंड इसकी जो लोकेशन है, ये इसका प्लस पॉइंट है। एंड ये अपार्टमेंट आपको मिल जाता है 71,90,000 में। तो अगर आप भी रेडी टू मूव अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट घरों की वीडियोज़। सो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। ये भी आपका काफ़ी ब्यूटीफुल बेडरूम आ जाता है यहाँ पे। एक्चुअली ये आपका मास्टर बेडरूम है, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा ही होगा तो इसका जो साइज़ है वो बाकी दो रूम से काफ़ी बड़ा है। एंड गाइज, इसके साथ आपकी जो बालकनी है ना, अगेन वो भी बहुत बड़ी बालकनी आपको ही मिलने वाली है, तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप रूम चेकआउट कर लीजिए एक बार। यहाँ ऊपर आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग, जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एक बार आप इस बेड की तरफ लुक दें, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। लाइक बेड के साथ ही आपके जो साइड में जो ये शेल्फ्स हैं, जो जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, वो कनेक्टेड है बेड के साथ ही। इस साइड आप देखेंगे मिरर आ जाता है रूम में विद दिस टेबल, जहाँ पे आपको अपना सामान रखने के लिए, अपना स्टफ़ रखने के लिए, लाइक यहाँ पे गाइस जो मेकअप है ना, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंड यहाँ आ जाएगा आपका एलईडी का स्पेस, जहाँ पे आप अपना एलईडी लगा सकते हैं। अभी तो आप पीछे वॉल में देखेंगे, यहाँ पे वॉलपेपर ऐड किया हुआ है, बट आपको ये प्लेन वॉल्स मिलेंगी, जहाँ पे आप अपने मनपसंद तरीके का वॉलपेपर या फिर कलर आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। एंड इस तरफ आ जाएगी आपकी बालकनी। आइए चलते हैं बालकनी में। एंड ये आ जाएगी हमारी बालकनी। गाइज, आप पहले तो बालकनी का साइज़ एक बार देखें, कितनी ज़्यादा बड़ी बालकनी है आपकी ये। लाइक यहाँ पे जब आप प्लांट्स लगाएंगे, सिटिंग स्पेस बनाएंगे, झूला लगाएंगे अपनी बालकनी में, कितना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। एंड यहाँ से पूरा एरिया जो है वो आपका ओपन रहने वाला है, तो आपको धूप भी यहाँ पे प्रॉपर आने वाली है इस वाली बालकनी में। लाइक ये जो आपकी बालकनी है ना, ये आपकी ईस्ट फेसिंग बालकनी है, जो आपकी पीछे वाली थी वो वेस्ट फेसिंग बालकनी थी। तो यहाँ पे आपको धूप जो है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। एंड ये जो आपके यहाँ पे डोर आ जाएंगे ना, ये UPVC टफन ग्लासेस में यूज़ कर रखा है, तो लाइक जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है वो आपके घर में नहीं आ पाएगी। सो ये थी हमारी बालकनी, थी ना बहुत ज़्यादा वाइड बालकनी। अब इस साइड अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो अगेन विद वेरी गुड स्पेस,
काफी अच्छा लेआउट भी है कबर्ड्स का। एंड फिर इस साइड आ जाएगा आपका वॉशरूम, जो कि अगेन आपकी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ रहेगा। फुल वॉल लेंथ की आपकी टाइलिंग रहेगी। नीचे वाली आप जितनी भी टाइल्स देख रहे हैं वो आपकी एंटीस्केट आ जाएंगी। यहाँ पे आपका सिंक, वैनिटी, आपका मिरर सारा आपको एज इट इज मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेस भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्पेशियस है। वॉशरूम भी लाइक कंजस्टेडनेस आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है। यहाँ पे भी आपको एग्जॉस्ट हम लगा के देंगे। सो गाइज, नाउ वी आर ऑल डन विद आर कम्प्लीट अपार्टमेंट। तो आज मैंने आपको एक 3 BHK सैम्पल अपार्टमेंट टूर करवाया है इन द साइज ऑफ 1700 square feet, जो कि लोकेटेड है आपके 127 सेक्टर ग्रेटर मोहाली में एंड कनेक्टेड है आपके खरड़ लांड्रा हाईवे के साथ। लाइक इस प्रोजेक्ट का जो प्लस पॉइंट है ना गाइज, वो इसकी लोकेशन ही है। लाइक ये बैंग ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। दूसरा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है एंड आपको अपार्टमेंट जो है वो सेमी फर्निश्ड मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉल सीलिंग, आपके कबर्ड्स फुली मॉड्यूलर, आपको किचन मिल रहा है, आपको वॉशरूम में सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिल रही हैं एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपको एमिनिटीज भी मिल रही हैं, जिसके अंदर क्लब हाउस, ग्रीन एरियाज एक्सेट्रा सारे रहेंगे। तो आपको अगर ये अपार्टमेंट अच्छा लगा हो, आप विजिट करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल प्लान योर विजिट हेयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी सुंदर से घर के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय।